आज मैं बनाने जा रही हूँ बाकरवाड़ी की रेसिपी। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल, आपका मेरे चैनल कुक विद पायल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में 1 कप मैदा ले लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून बेसन। फिर हम इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। तो ये मैंने गरम करके लिया है और इन सबको हम 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ी देर इसे मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से बनने लगे। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है, थोड़ा सा हार्ड बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो बना ले। तो ये देखिए, इस तरह का हमें डो बना लेना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के इसे फिर से गूंथ लेंगे और इसे चिकना कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट होने देते हैं। तो अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है और गैस के फ्लेम को मैंने लो पर रखा हुआ है। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ड्राई कोकोनट और 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत जीरा और 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून सफ़ेद तिल। और इन सबको हम 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे और गैस के फ्लेम को हमें एकदम लो पर ही रखना है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी जलने लग जाते हैं। तो इसे 1-2 मिनट चलाने के बाद अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और ऑफ़ करने के बाद भी हम इसे थोड़ी देर चलाते रहेंगे क्योंकि पैन अभी भी हमारा गर्म है। तो इसे थोड़ी देर चलाने के बाद इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा करने के बाद इसे हम एक मिक्सर के जार में निकाल लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1 चुटकी हींग और 1 टेबलस्पून आमचूर का पाउडर, 1 टेबलस्पून शुगर और 1/2 टीस्पून नमक। और इन सबको हम दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे दरदरा पीस लिया है और ये हमारा स्टफिंग रेडी है। तो 15 मिनट हो गए हैं और ये डो हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसे हल्का सा गूंथ लेंगे और इसे हम 3 हिस्सों में बांट लेंगे और फिर हम इसका एक हिस्सा लेकर इसे हम जैसे रोटियां बेलते हैं उसी तरह से बेल लेना है। तो अब हम इसे बेल लेते हैं। तो इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसे हमें हल्का मोटा रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें बेल लेना है। अब हम इसके ऊपर से इमली का पल्प लगा देंगे। तो इसे चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। तो अब हम इसके ऊपर से ये जो हमने स्टफिंग बनाया था इसे हम इस तरह से डाल देंगे और चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। तो ये देखिए, हमने अच्छी तरह से फैला दिया है। अब हम इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। तो इसे हमें टाइट रोल करना है। ये देखिए, इस तरह से हमें रोल कर लेना है। तो ये देखिए, हमने अच्छी तरह से इसे रोल कर लिया है। अब हम इसके किनारों को भी इस तरह से उंगलियों से दबाते हुए इसे हम बराबर कर लेंगे और फिर इसे हम चाकू की सहायता से
इसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें काट लेना है। और ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। अब हम इसके एक एक पीस निकाल लेंगे। तो अब हम इसमें से एक पीस लेकर इसे हथेली से इस तरह से हल्के हाथों से दबा देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से दबाना है। और ये देखिए इसी तरह से हमें सारे तैयार कर लेना है। और ये मैंने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था और ये हल्का गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके सारे भाकरवाड़ी को डाल देंगे और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। और गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम पे रखा हुआ है। तो इसे हमें इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेना है और इसका गोल्डन ब्राउन कलर होने पर इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो ये देखिए हमारी भाकरवाड़ी बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। थैंक यू।